खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र देंगे। चयनित लोगों को, अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। सुबह 11 बजे लोकभवन में कार्यक्रम है। मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और 11 बजे का जो कार्यक्रम है बेहद खास होगा, क्योंकि यहां पर जो चयनित अधिकारी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और हमने देखा कि लगभग हर हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जितने भी चयनित लोग हैं उन्हें नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और इसी सिलसिले में आज भी 11 बजे लोकभवन में एक कार्यक्रम होगा और यहां पर सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे चयनित अधिकारी और कर्मचारियों को। मिशन रोजगार के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार युवाओं को देने का लक्ष्य रखा गया है। संकेत मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है आज के कार्यक्रम को लेकर? संकेत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? और ऐसे ही 199 जो समीक्षा अधिकारी है, सहायक शिक्षा अधिकारी है, इनकी जो नियुक्ति पत्र का वितरण का ये कार्यक्रम है। लोकभवन में 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इन जो समीक्षा अधिकारी हैं इनको नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। बहुत शुक्रिया संकेत जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक है आज। अल्पसंख्यक मोर्चा की यह बैठक रहेगी। पसमांदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। स्वाभिमान यात्रा सम्मेलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और 2024 के मद्देनजर एक्शन मोड में है बीजेपी। और इसी कड़ी में आज की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा की ये बैठक बीजेपी की, जिसमें स्वाभिमान यात्रा को लेकर भी रणनीति बनेगी और किस तरह से ज्यादा पसमांदा मुसलमानों को पार्टी के साथ लेकर आया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। नोएडा का बहुचर्चित निठारी कांड मामले में सुनवाई जारी है। फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। 23 जुलाई को सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। बता दें कि आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर की अपीलों की सुनवाई जारी है और एक बार फिर से 23 जुलाई का दिन जो है वो बेहद खास होगा। हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई होगी। एक तरफ लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं तमाम अधिकारी, लेकिन 23 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। एक बार फिर से देखना होगा कि आखिर हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या बातें की जाती है। निठारी कांड मामले में ये पूरी सुनवाई होनी है। फांसी की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई होगी। और इसी बीच आगरा से एक बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। छेड़खानी और मारपीट के मामले को लेकर फरार चल रहा था ये बदमाश और बदमाश के पास से एक बाइक, तमंचा, कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के पंथौली बिचपुरी रोड पर ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश को SN अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।